हाँ नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियाँ। पहला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की अंतःसलिला किस नदी को कहा जाता है? अंतःसलिला, 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 अंतःसलिला किस नदी को कहा जाता है? तो मित्रों आपका राइट आंसर होगा लूनी। ये अंतःसलिला किसने कहा था? तो ये अंतःसलिला कहा था कालिदास ने। किसने कहा था? कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर दो, राजस्थान की सबसे तेज गति से बहने वाली नदी कौन सी? सबसे तेज गति से बहने वाली नदी कौन सी? तो मित्रों राइट होगा जाखम नदी। सबसे तेज से बहती है, राइट होगा जाखम नदी। चलो मित्रों क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। एक साइड आपको नदी दे रखा है, एक साइड आपको उद्गम स्थल दे रखा है। चलो देखते हैं। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। आयड़ नदी ओब्लिक बेड़च नदी गोकुंदा से निकलती है। कोठारी नदी दिवेर से निकलती है राजसमंद से। कालीसिल नदी मित्रों सिलोरा से नहीं, इस सपोटरा की पहाड़ी से निकलती है कालीसिल नदी, करौली से। और मित्रों ये सिलोरा से निकलती है आपकी डाई नदी। कौन सी निकलती है? डाई नदी। तो इसमें राइट होगा मित्रों द, राइट होगा द। कौन सा राइट होगा? कालीसिल वाला राइट होगा। कालीसिल नदी का उद्गम होता है सपोटरा की पहाड़ी करौली से, ठीक है, सिलोरा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर चार हो, निम्नलिखित में से कौन सी साइड नदी नहीं है? एक साइड आपको नदी दे रखा है, एक साइड आपको साइड नदियां दे रखी है। तो मित्रों बनास की सहोदरा साइड नदी है। देखो सहोदरा डाई की है, डाई बनास की है, ठीक है ना। चंबल की कुराल है, क्योंकि कुराल मेज की है, मेज चंबल की है, तो साइड नदी होगी ना। लुनी की गुया नदी है। माही की मित्रों बेतरक नहीं है, बेतरक नदी। साबरमती, साबरमती जो नदी है उसकी साइड नदी है, साबरमती जो नदी उसकी साइड नदी है, बेतरक माही की नहीं है। तो राइट कौन सा होगा? तो राइट होगा इसमें माही, द राइट होगा मित्रों। कौन सा राइट होगा? द। क्वेश्चन पांच पे हो, नदी त्रिवेणी संगम में से असंगत को छांटिए। नदी त्रिवेणी संगम में से असंगत को छांटिए। तो मित्रों देखो तीन तीन नदियां संगम दे रखा है, स्थान दे रखा है, चंबल, चंबल बनास ही ब्रह्मेश्वर स्वयंमाधोपुर में संगम होता है। बनास डाई खारी देवली टोंक में इनका संगम, तीनों नदियों का संगम होता है। बनास बेड़च और गंभीर बिगोद। तो मित्रों गंभीर का नहीं होता है, इससे अगर मेनाल आपकी नदी आती तो राइट होता बिगोद, लेकिन इसमें असंगत ही हो गया। इसमें गंभीर नदी नहीं मिलती है, बिगोद स्थान में मिलती है मेनाल, बनास, बेड़च। तो इसका राइट कौन सा हो गया? सह राइट हो गया, और डेथ राइट है इसका। असंगत कौन सा हो गया? असंगत ये हो गया। पांचवें का राइट होगा सह। अगला क्वेश्चन देखो मित्रों, क्वेश्चन नंबर छह, बीकानेर संभाग में कौन सी नदी नहीं बहती है? वेरी वेरी मोस्ट मित्रों, अगर आपसे ये पूछ लेते बीकानेर जिले में कौन सी नदी बहती है, कोई भी नदी नहीं बहती। चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं बहती, लेकिन यहाँ पूछा है मित्रों बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग का मतलब होता है कौन कौन जिले आते हैं? बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। और गगर नदी निकलती है गंगानगर और हनुमानगढ़ से, तो राइट कौन सा हो गया? गगर नदी। लुनी नदी प्रदूषित होने का मुख्य कारण है, ये मित्रों क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो मुख्य कारण है इसका रंगाई छपाई। तापमान अगर कम होगा, ज़्यादा होगा, नदी कभी प्रदूषित नहीं होती है। वन अगर कम होंगे, वन अगर ज़्यादा होंगे, तो भी नदी का प्रदूषण होने को कारण नहीं बन सकता। राइट कौन सा हो गया? रंगाई छपाई। क्योंकि बाड़मेर में अजरक जो प्रिंट चलती है वो रंगाई छपाई लगभग है, इस नदी पर ही रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है। तो रंगाई छपाई इसका मुख्य कारण है प्रदूषित होने का। क्वेश्चन नंबर आठ देखो, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। एक साइड आपको दे रखी है नदी और एक साइड दे रखा आपके
की सभ्यता? तो देखो गगन नदी पर कालीबंगा है क्या? जरूर है। कांतली पर गणेश्वर है जी, बाणगंगा पर बैराट है जी, आयड़ है सुनारी, ये सुनारी मित्रों कांतली नदी पर है। आयड़ पर आहड़ सभ्यता है, तो राइट कौन सा हो गया इसका? राइट हो गया दय। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। पश्चिमी मरुस्थल या थार के मरुस्थल की ढाल बताने वाली नदी है? तो मित्रों ये नदी है लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। साबरमती नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, साबरमती नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नहीं है मित्रों? तो इसमें राइट होगा आपको बेतरक भी है, अतमती भी है, वाकल भी है, लेकिन जवाई नदी, ये जवाई जो नदी है ये मित्रों लूणी नदी की सहायक नदी है। किसकी? लूणी नदी की सहायक नदी। तो राइट हो गया इसमें डी। तो मित्रों ये थे क्वेश्चन 10 नदी से संबंधित। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों।